हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय लोकदल एनडीए सरकार के साथ है। ये अद्भुत है कि कभी पास कभी दूर, कभी साथ कभी अलग, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए। मेरे लिए कोई अलग पार्टी ऐसा मैं नहीं समझती हूँ, मेरे लिए आप सभी लोग ब्रजवासी हैं, ब्रज के वासी हैं, आपके लिए मैं सेवा करूंगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय लोकदल एनडीए सरकार के साथ है। इसे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत ही अत्यंत खुशी होती है। चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। गांव, गरीब, वंचित लोगों को उत्थान करने का जो संकल्प है उसे आप सबके साथ मिलकर हम पूरा करेंगे। हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी का श्रद्धांजलि दिया भारत रत्न देकर। ये एक बहुत बड़ी बात है और किसी ने नहीं किया, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चौधरी जी के लिए किया है। एक और बात मैं जयंत जी से कहना चाहती हूं कि हम सबको मालूम है 2009 में मैं जयंत जी के लिए माठ में उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी और बहुत अच्छी तरह से बहुमती में वो जीत भी गए। उसके बाद 2014 में मैं मथुरा की सांसद बनी और आज हम सब मिलकर एक साथ हैं और आज मेरे लिए जयंत जी हमारे लिए यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन ये अद्भुत है कि कभी पास कभी दूर, कभी साथ कभी अलग, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमेशा हमारे साथ रहिए। हम सब आपके भारतीय जनता पार्टी के और लोकदल के सभी कार्यकर्ता मिलकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है उसे पूरा करेंगे। आज भारत एक नया भारत बन रहा है। आज कोई भी गरीब भूखा नहीं सो सकता है, सब गरीब के पास एक पक्का मकान है, घर में शौचालय है, नल में पानी है, बिजली है और मुफ्त में हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए मुफ्त में सब कुछ चिकित्सा मिल रही है और बहुत सारी सुविधाएं हमारी पार्टी देती आ रही है सारे जनता को। ऐसी एक पार्टी है, मुझे बहुत गर्व है कि मैं बहुत शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यहाँ के लिए बहुत काम किया है। शुरू से प्रचार करती आ रही हूँ मैं और दो बार यहाँ की सांसद बनने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मेरा कोई और लक्ष्य नहीं था कि मैं कुछ राजनीति में आकर कुछ अपना धमाल दिखाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक कृष्ण भक्त की वजह से मैं मथुरा में आई, जब मथुरा में देखा कि बहुत कुछ चीज नहीं है जो होना चाहिए, तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं मथुरा के लिए, यहाँ के भगवान कृष्ण की नगरी के लिए मैं कुछ करूं। तो मुझे बहुत ही गर्व है और भाग्यशाली मैं अपने आप को समझती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने मुझे, मेरे ऊपर विश्वास कर अभी तीसरी बार उन्होंने मुझे टिकट दिया है और मैं समझती हूँ कि मैं आप सब ब्रजवासियों के बीच में रहकर ये काम बहुत अच्छा सा मैं कर सकूंगी। मेरे लिए कोई अलग पार्टी ऐसा मैं नहीं समझती हूँ, मेरे लिए आप सभी लोग ब्रजवासी हैं,
ब्रज के वासी हैं, आपके लिए मैं सेवा करूंगी।